शर्ट लंकन टाइगर्स पर पंजे गाड़ने में नाकाम। श्रीलंका की बड़े हदफ की जानी पेशकदमी, चार विकेटों के नुकसान पर 220 से जायद रन बना लिए। दो कैचेस ड्रॉप होने के बाद कुशाल मेंडिस खुलकर खेले। ग्राउंड के चारों जानब शॉट, 6 छक्कों और 14 चौकों की मदद से सेंचुरी स्कोर की, 122 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानब से हसन अली ने 3 और शादाब खान ने 1 विकेट ली। निसांका निफ सेंचुरी करके आउट हुए। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी बलोचिस्तान का इजलास, वफाकी और सूबाई हुकाम इजलास में शरीक। गैर मुल्की तारकीन की वापसी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम पर गौर। बलोचिस्तान में अमनो अमान और तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। निगरान वजीर आजम से निगरान वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक एपिक्स कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जो गैर मुल्की रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ रहेंगे, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को डिपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर दाखला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं वो जराइम में मुलव्वस हैं। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं, किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। कराची में 4 से 5 दिन में बहुत तब्दीली आएगी। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी रुकावटें दूर करने की हिकमत अमली तैयार। हिफाजती जमानत 16 या 17 अक्टूबर को दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कानूनी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया। एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जमानतें दायर होंगी। नवाज शरीफ को एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। वापसी पर इस्तकबाल के लिए तैयारियां भी जारी। पार्टी का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मनसूख करने का फैसला। जराए के मुताबिक शहर भर में जलसों की बजाय मीनारे पाकिस्तान जलसे को कामयाब कराने पर जोर लगाया जाएगा। निगरान वजीर आजम का 16 अक्टूबर को चीन जाने का इम्कान। सिफारती जराए के मुताबिक वजीर आजम 17 और 18 अक्टूबर को तीसरे बिल्ट इन रोड फोरम में शरीक होंगे। सी पैक के तहत 15 माहदों और एमयूज पर दस्तखत का इम्कान। ML1 मंसूबे पर भी दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के माबैन तवील अरसे के बाद सी पैक मंसूबों पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए कोरोना की तर्ज पर कार्रवाई की तजवीज। बुध को मुकम्मल शट डाउन करने का इम्कान। मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद रखने की तजवीज। ज़राए के मुताबिक सरकारी दफातर में बुध के रोज आधे मुलाजमीन काम करेंगे। हफ्ता और इतवार को मेट्रोपॉलिटन में कोरोना लॉकडाउन की तरह नाके लगाने का इम्कान। ट्रैफिक में कमी लाकर स्मोक कम की जाएगी। और वर्ल्ड कप के 7वें मैच में बांग्लादेश और इंग्लैंड मध्य मुकाबल। इंग्लैंड का बांग्लादेश को जीत के लिए 365 रन का बड़ा हदफ। डेविड मिलान ने 140 रन बनाए। हदफ के ताकुब में 4 बंगाली खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।